एक बार एक चोर किसी व्यक्ति का पर्स मार करके भाग गया और तंदुरुस्त व्यक्ति था सामर्थ्यवान था वो एकदम दौड़ा यह सोच करके कि मैं इसको अभी पकड़ लेता हूं लेकिन चोर हल्का था तेज दौड़ा उसको इतना गुस्सा आया स्वस्थ व्यक्ति को कि वो उस चोर के पीछे वो और तेजी के साथ दौड़ा अच्छा मुझसे तेज और यह सोच करके वो इतना तेज दौड़ा कि चोर से भी आगे निकल गया थोड़ी दूर जाकर के उसने देखा कि चोर तो बहुत पीछे रह गया है या नहीं लेकिन देखा तो वहाँ चोर था ही नहीं अब वो सोचने लगा कि मैं यहाँ चला क्यों था दौड़ा क्यों था चोर तो है ही नहीं ये स्थिति उस व्यक्ति की नहीं जिसका पॉकेट मार लिया गया ये स्थिति हम सब की है हम सुन लोग दौड़ में इतना भूल जाते हैं कि हम दौड़े क्यों थे दौड़ते चले जाते हैं दौड़ की होड़ हमें कहीं का नहीं छोड़ती पूरी दौड़ में विवेक हमारे साथ रहना चाहिए हमने दौड़ जीवन की इसलिए शुरू की थी कि हम आनंद में जीवन जिए स्वस्थ जीवन जिए सौहार्द के साथ जिए और सबसे बड़ी चीज कि हम आत्मसाधना के लिए संसाधन जुटा लें जिससे कि हम बेफिक्र होकर के अपनी भक्ति अपनी उपासना अपने धर्म का कार्य करें हम मनुष्य रूप में क्यों जन्म लिए थे इसका आत्मानुसंधान करें लेकिन ऐसा हो नहीं पाता हम साधन पा करके उसमें इतना उत्साहित हो जाते हैं कि बहुत लोगों का तो ऐसा व्यापार चलता है कि वो रात को भी सो नहीं पाते बेचारे सोचते हैं कि रात को तो बहुत देर तक हमें काम करना पड़ता है और सुबह जल्दी जाना पड़ता है वरना उस प्रॉफिट से हम वंचित रह जाएंगे जो कि हम बना सकते हैं पता चला कि इतनी देर हो गई कि साधन तो पूरे हैं लेकिन उसको आनंद लेने का उसका उपयोग करने का समय नहीं बचा हमारे पास हर चीज़ की मर्यादा का साधकों को पता होना चाहिए कि किस चीज़ की कितनी मर्यादा है साधन की मर्यादा इतनी है कि वह हमें लक्ष्य तक गंतव्य तक पहुंचाने में सहयोगी हो हमारी बीच मझधार में साधनों के अभाव में यात्रा रुक ना जाए बस इतना ही महत्व है इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब वासना शुरू हो गई है वासना से बचना है और इसी को योग की भाषा में हम कहते हैं अस्तेय और अपरिग्रह यानी साधन तो कमाएँ वो दूसरे का हक मारे बिना ना कमाएँ लेकिन जो कमाया उसमें हम अपरिग्रह करें अपरिग्रह यानि उसके अंदर लिप्त नहीं होना है उसके पीछे इतने अंधे नहीं हो जाना है कि हम यही भूल जाएँ कि हमने कमाना क्यों शुरू किया था भारत योग के ऑनलाइन और ऑफ़लाइन कोर्सेज़ की जानकारी के लिए संपर्क करें